बिहार में दूध से बने खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाकर लोगों को बड़ा झटका दिया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने यह कदम उठाया है। उसने सुधा के दही, लस्सी व छाछ के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इससे लोगों की जेब पर बड़ा बोझ बढ़ गया है। ये फैसला 18 जुलाई से ही लागू कर दिया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पैक्ड दही, लस्सी और मट्ठा पर 5% GST 18 जुलाई से लगाने के परिणाम स्वरूप ये बढ़ोतरी की गई है। वहीं राष्ट्रीय बाजार में फैट का मूल्य बढ़ने के कारण सुधा के घी और बटर के दाम भी 22 जुलाई से बढ़ जाएंगे। 1 किलो प्लेन दही पर 10 रुपये तो प्रति किलो घी पर 60 रुपये की वृद्धि हुई है। मालूम हो कि कॉमफेड की ओर से दही, लस्सी और मट्ठा का पिछला दर परिवर्तन फरवरी 2021 में की गई थी। इसके बाद से दूध उत्पाद में 2 बार कीमतें बढ़ी पर दही, लस्सी के दाम नहीं बढ़े थे। बता दें कि लगातार हर चीज़ पर महंगाई की मार के चलते आम आदमी परेशान है। लोगों का मानना है कि खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आय बढ़ाने पर सरकारें कुछ ध्यान नहीं दे रही है। विशेषकर निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार अच्छे खासे वेतन बढ़ोतरी की ओर कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि वे परिवार को पौष्टिक आहार व अच्छा जीवन स्तर कैसे दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।